तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एम्स से ठीक होकर आते ही एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने सिविल सचिवालय कार्यालय में पहुंचते ही तुरंत गृह पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और राज्य में कानून और स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों की जानकारी हासिल की। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे शांति बनाकर रखें ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने आंदोलनरत किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंसा से किसी भी मुद्दे का हल नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि संविधान में हर किसी को समानता का अधिकार दिया जाता है, इसलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य या कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी के हकों का हनन हो। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने हरियाणा की ओर से दिल्ली जाने वाले रास्तों को खुलवाने के लिए किसानों के नेताओं और उनके प्रतिनिधियों को बैठक करने के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए किसानों को आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए बातचीत के लिए आगे आना चाहिए।